आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। टुडेज टॉपिक इज एसेट, संपत्ति, धन। एसेट किसी भी बिजनेस का प्रत्येक वस्तु जिस पर व्यवसाय के मालिक का, व्यवसाय का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। इतना ही नहीं, वैसे भी अमाउंट जो दूसरे व्यक्ति से लेना है इसको हम लोग एसेट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में एसेट को हम लोग बोल सकते हैं व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिससे भविष्य में धन प्राप्त हो या लाभ प्राप्त हो, तो ऐसे वस्तु को हम लोग एसेट बोलते हैं। मीनिंग एनीथिंग विच इज इन द बिजनेस, प्रत्येक वह वस्तु जो आपके बिजनेस में है, प्रत्येक वस्तु एनीथिंग इन द बिजनेस, प्रत्येक वस्तु जो बिजनेस में है और इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर, और वैसे भी अमाउंट जो किसी दूसरे व्यक्ति से लेना है। प्रत्येक वस्तु किसी बिजनेस का, प्रत्येक वस्तु किसी बिजनेस का जिस पर बिजनेस का अधिकार हो, जिस पर बिजनेस का स्वामित्व हो। इतना ही नहीं, वे सारे अमाउंट जो किसी दूसरे व्यक्ति से लेना है, इन सारे चीजों को हम एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा। अब हम लोग उसके डेफिनेशन की बात करेंगे बाय फिने एंड मिलन के अनुसार। बाय फिने एंड मिलन मिलर के अनुसार, बाय फिने एंड मिलर के अनुसार, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स जो होते हैं वो भविष्य में होने वाले लाभ से संबंध रखते हैं। भविष्य में लाभ देने वाले वैसे संपत्ति, वैसे एसेट्स जिन पर बिजनेस के मालिक का अधिकार होता है, कंट्रोल होता है। बाय फिने एंड मिलर के अनुसार भविष्य में होने वाले लाभ, भविष्य में होने वाले बेनिफिट जिस पर बिजनेस का अधिकार होता है, कंट्रोल होता है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब हम लोग एसेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, नॉन करेंट एसेट। नंबर टू, करेंट एसेट। नंबर थर्ड, फिक्सियस और नॉमिनल एसेट्स। नाउ फर्स्ट इज नॉन करेंट एसेट्स। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मीन्ट फॉर सेल इज कॉल्ड नॉन करेंट एसेट। वैसे एसेट्स जिसको हम खरीदते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इट इज नॉट मीन्ट फॉर सेल, और उसको बेचने के लिए हम लोग नहीं खरीदते हैं, ऐसे एसेट्स को नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। वैसे एसेट्स जिसको हम परचेज करते हैं फॉर व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
और उस गुड्स को हम बेचते नहीं हैं। जिस एसेट को हम खरीदते हैं उसका यूज क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इट इज नॉट फॉर सेल, उसको हम लोग बेचते नहीं हैं। ऐसे एसेट को नॉन करंट एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट के एग्जाम्पल हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स। टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। वैसे फिक्स्ड एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। वैसे फिक्स्ड एसेट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट, नंबर वन टेंजिबल एसेट्स एंड नंबर टू इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स दोज एसेट्स दैट कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। वैसे फिक्स्ड एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वैसे फिक्स्ड एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा। द सेकेंड इज इनटेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और टच। वैसे फिक्स्ड एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ओनली फील, सिर्फ हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, वैसे फिक्स्ड एसेट को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एसेट, करंट एसेट, दोज एसेट विच आर मीट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू कैश विद इन वन ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव एसेट। वैसे एसेट जिसको हम सेल भी कर सकते हैं, वैसे एसेट जिसको हम सेल भी कर सकते हैं, या अगर मैनेजमेंट चाहे तो उस एसेट को एक साल के अंदर में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे एसेट्स जिसको हम सेल भी कर सकते हैं, या अगर मैनेजमेंट चाहे तो इंटरप्राइजेज का जो व्यवस्थापक है अगर वो चाहे तो ऐसे एसेट को एक साल के अंदर में विद इन वन ईयर किस में बदल सकता है, कैश में बदल सकता है। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। इसका दूसरा नाम है एक्टिव एसेट। करंट एसेट को हम लोग एक्टिव एसेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, एसेट दैट कैन बी चेंज इनटू कैश विद इन वन ईयर, दे आर डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन ईयर। वैसे एसेट्स जो कैश में चेंज होने में कितना टाइम लगता है,
एक साल के अंदर में। नाउ फिक्सियस और नॉमिनल एसेट्स, ये जो एसेट है फिक्सियस और नॉमिनल, ये नाम मात्र का एसेट है। आप यूं कह सकते हैं कि ये एसेट है ही नहीं, क्योंकि एसेट का गुण होता है कि फ्यूचर में आपको कैश देगा, बेनिफिट देगा। ये ऐसे एसेट्स है जो ना तो फ्यूचर में कैश देगा, बेनिफिट देगा, और ना ही कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे एसेट्स जो ना तो कैश में कन्वर्ट होगा और ना ही फ्यूचर में बेनिफिट देगा, फिर भी इसको हम लोग एसेट बोलते हैं। ये नाम मात्र का एसेट है। कारण क्या है कि ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं एज ए एसेट। फिक्सियस एसेट नाम मात्र का एसेट है। दोज एसेट विच कांट बी रियलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डेराइव फ्रॉम दिज एसेट इज कॉल्ड फिक्सियस और नॉमिनल एसेट। वैसे एसेट्स जो ना तो कैश में बदल सकता है और ना ही फ्यूचर में कोई बेनिफिट दे सकता है, ऐसे एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्सियस एसेट और नॉमिनल एसेट। फॉर एग्जांपल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। ये एसेट का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कि ये जो ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए इसको हम फिक्सियस एसेट का नाम दिया है। नाउ सम एग्जांपल ऑफ एसेट्स दैट यूज इन एवरी चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। जिंदगी भर अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो ये सारे एसेट डेली यूज होगा ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल इन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इसलिए इसको याद कर लेना है विथ स्पेलिंग। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जानना है कि बिजनेस में एसेट कौन कौन से होते हैं। Now, so number one, land, second, building, plant, machinery, furniture, investment, bill receivable, debtor, computer, motor vehicle, goodwill, patent, trademarks, copyright, computer software, cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, outstanding expenses and accrued interest. So these are the assets that use in your daily life during the study of accountancy. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।